हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन की सेव। दो तरह से हम बनाने जा रहे हैं, एक हम बिना मशीन के बनाएंगे और एक मशीन से बनाएंगे। तो जो लोग, अगर जिनके पास मशीन नहीं है तो वो बिना मशीन के भी घर पर आसानी से सेव बना सकते हैं। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें, क्योंकि घर पर बहुत ही बढ़िया ये बनती है सेव। और अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले, अगर आपने हमीदास किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ हमीदास किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। सबसे पहले एक बोल में 1/4 कप रिफाइंड ऑयल लेंगे और इसमें हम 1/2 कप पानी ऐड करेंगे। और देखिए, ये पानी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर में है, ना गर्म है ना ठंडा है। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमें बिल्कुल अच्छे से इसे फेंटना है। और आप देख सकते हैं, ये जो हमारा पानी और ऑयल है वो अच्छे से फेंटने के बाद कितना गाढ़ा हो चुका है। 1/4 टीस्पून इसमें हम काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। और देखिए, काली मिर्च हमारे बिल्कुल बारीक पिसी हुई है। और वैसे तो बेसन की सेव में काली मिर्च नहीं होती, बट हम इसमें डाल रहे हैं क्योंकि इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। 1/2 कप इसमें बेसन डालेंगे। और देखिए, बेसन हम एक साथ सारा नहीं डालेंगे, हमने अभी 1 कप बेसन डाला है, 1/2 कप बाद में डालेंगे। पहले इसे अच्छे से हाथों से मिक्स। और बेसन की क्वांटिटी हमने उसी कप से ली है जिस कप से हमने पानी और ऑयल की क्वांटिटी ली है। अब जो 1/2 कप बेसन हमारा बचा हुआ था उसे हम ऐड करेंगे और इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। तो देखिए, हमने बेसन को आटे की तरह कर लिया है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे। अब ढककर इसे हम 5 मिनट रेस्ट पर रख देंगे। 5 मिनट बाद देखिए, ये हमारा डो अच्छे से सेट हो चुका है। और ये डो हमारा थोड़ा सॉफ्ट ही है, इसे टाइट नहीं करना है हमें, नहीं तो जो सेव है वो अच्छे से बन नहीं पाएगी। तो देखिए, इसे सेव बनाने के लिए ये जो मशीन की हमारी जालियां है, ये 2 तरीके की हमने ली है। एक ज़्यादा बारीक वाली है और एक थोड़ी मोटे वाली है। तो हम मोटे वाली जाली का यूज़ करेंगे। हम सेव को बहुत ज़्यादा बारीक नहीं बनाएंगे, क्योंकि अब ये हमने सेव बनाने के लिए मशीन लिया है। और ये मार्केट में आपको बर्तन की दुकान पे बिल्कुल आसानी से मिल जाएगा। इसमें हम ऑयल से इसे ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। जो जाली है उसके ऊपर भी हम ऑयल लगा लेंगे, ताकि बेसन हमारा चिपके ना। और जाली को हम इसके अंदर डाल देंगे। अब ये जो हमारा बेसन का आटा है उसको हम इस तरीके से सिलेंडर शेप में लेंगे और अंदर डालेंगे, इस तरीके से दबा देंगे इसे। ढक्कन लगा देंगे इसका। अब देखिए, हमने गैस पर कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लिया है। और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो जो हमारी सेव है वो डालते ही इसमें जल जाएगी। इसलिए ऑयल को बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। और गैस की फ्लेम को हमने लो मीडियम पे रखा है। अब मशीन से हम इसमें सेव बनाएंगे। देख सकते हैं, इस तरीके से घुमाते हुए बनाना है हमें। सेव को पलट देंगे हम और इसे अच्छे से पलटते हुए हमें दोनों साइड से लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से फ्राई कर लेना है, ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए, ये हमारे बेसन की सेव दोनों साइड से बिल्कुल अच्छे से लाइट गोल्डन फ्राई हो चुकी है। इसे हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे
और किसी टिश्यू पेपर पे इसे निकालेंगे ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो उसमें एब्जॉर्ब हो जाए। देखिए, हमने आपको दो तरीके की जाली दिखाई थी सेव बनाने के लिए। हमने मोटी वाली जाली पहले ली थी, अब हम आपको पतली जाली से, पतले छेद वाली जाली से बना के दिखा रहे हैं, क्योंकि कई लोग पतले सेव खाना पसंद करते हैं, तो वो लोग पतली वाली जाली से पतली सेव बना सकते हैं जैसे मार्केट में मिलती है। वैसे मार्केट में तो दोनों तरह की सेव आती है, मोटी भी आती है और पतली भी आती है। दोनों ही खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, टेस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक होगी पतली होगी और एक मोटी होगी। तो इसे भी हमें दोनों साइड से अच्छे से फ्राई करना है लाइट गोल्डन। और देखिए, एक तरीका हम आपको और दूसरा बताएंगे कि आप अगर आपके पास मशीन नहीं है तो विदाउट मशीन आप कैसे घर पे बना सकते हैं सेव को। तो देखिए, ये पतली वाली सेव भी हमारी लाइट गोल्डन फ्राई हो चुकी है, इसे भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे। और ये पतली सेव को फ्राई करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, ये ज़्यादा जल्दी फ्राई होती है, तो गैस की आंच को आपको ध्यान से उसमें रखना है। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये जल जाएगी। अब देखिए, हम आपको दूसरे तरीके के भी दिखाते हैं सेव, कि आपके पास अगर मशीन नहीं है तो आप कैसे घर पे बना सकते हैं सेव को। तो ये हमने कद्दूकस करने वाले लिया है मशीन, जिसमें हमने दोनों साइड से अच्छे से ऑयल लगा लिया है। आटा हमने थोड़ा बचा लिया था बेसन का, और इसमें इस तरीके से हम पुश करेंगे हाथों से। देख सकते हैं कितनी बढ़िया सेव हमारी बन रही है ये। तो देखिए, इसमें भी दो तरीके के होते हैं, एक पतला होता है और एक मोटा होता है। तो आप मोटी सेव खाना चाहते हैं तो मोटी साइड से कर सकते हैं, और पतले बनाना चाहते हैं तो पतली साइड से कर सकते हैं। बिल्कुल आसानी से बन जाती है ये भी, और इसे भी हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और बनाते वक्त गैस की फ्लेम को आप लो पे कर दीजिए, क्योंकि जब सेव बना रहे हैं आप तो फिर आपको तुरंत आप पलट नहीं पाएंगे इसे, तो इसलिए आपको गैस की फ्लेम को लो पे कर देना है। और फिर बाद में जब आप बना लें उसके बाद आप गैस की फ्लेम को मीडियम पे या फिर लो मीडियम पे कर दीजिए, और सेव को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। तो देखिए, ये सेव भी हमारी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, बिल्कुल लाइट गोल्डन। इसे भी हम ऑयल से बाहर निकाल लेंगे एक साइड करते हुए, ताकि जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा कढ़ाई में निकल जाए। तो देखिए, ये हमारे सेव सारे बन के रेडी हो चुकी है। तो देखिए, हम आपको दोनों तरह के हमने सेव बना के दिखाया है। ये हमारे मशीन वाली सेव है, और देख सकते हैं कितनी खस्ता है, बिल्कुल हाथों से छूने पर ही टूट जा रही है, बहुत ही खस्ता बनी है। और ये हमारे हाथों से बनी हुई सेव है, और ये भी बहुत ही खस्ता बनी है। दोनों के टेस्ट में कोई भी फर्क नहीं है, बस थोड़ा ये मोटी है और ये पतली है, बस उतना ही डिफरेंस है। तो देखिए, इसे हम हाथों से थोड़ा तोड़ लेंगे। पूरी साबुत सेव हमें नहीं रखनी है, क्योंकि और ये हमने मोटे वाली सेव बनाई थी, इसे भी हम हाथों से तोड़ लेंगे। और देख सकते हैं, आपको आवाज सुन के पता चल रहा होगा कितनी खस्ता ये हमारी बनी है। तो जैसे भी आप बनाना चाहते हो, अगर आपके पास मशीन है तो मशीन से सेव बना सकते हैं, मोटी या पतली जिस तरीके से बनाना चाहते हो, नहीं तो मशीन नहीं है तो हाथों से बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया सेव घर पर। तो लीजिए, हमारी सेव सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत ही खाने में बढ़िया खस्ता ये लगती है, बहुत ही बढ़िया घर पे बन जाती है। आप इसे त्योहारों में बना सकते हैं या और इसे कितने भी टाइम स्टोर करके रख सकते हैं, सब्जी में इसका यूज़ कर सकते हैं, चाट में यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो गेस्ट अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आया है तो उसे नमकीन की तरह सर्व कर सकते हैं। तो आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमीदास किचन को सब्सक्राइब कीजिए, और आपने कमेंट भी हमें दे सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।